बाराबंकी के बदोसराय पहुंचे तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान। बदोसराय पहुंचते ही परमहंस आचार्य ने अपने दिल की भड़ास सारी समाजवादी पार्टी पर निकाल फेंकी। परमहंस आचार्य ने समाजवादी पार्टी को दंगाइयों और बलात्कारियों की पार्टी बता दिया। यहां तक तब हद हो गई जब परमहंस आचार्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश कुमार यादव की हैकड़ी 10 मार्च के बाद निकालने की बात कर दी। परमहंस आचार्य ने कहा कि जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं एक एक को चिन्हित करके इनकी खाल उधेड़ ली जाएगी। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले और जल में नाक डुबोकर प्राण त्यागने वाले तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का जब सियासत से उनका मन भर गया, फिर वो हिजाब को लेकर परेशान होते दिखाई दिए। और परमहंस आचार्य ने कहा कि हिजाब में जो लड़की थी वो पीएफआई की एजेंट है। मुस्कान खान को पीएफआई का एजेंट बताने वाले परमहंस आचार्य ने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय में जो भी ड्रेस निश्चित है वो चाहे जिस भी धर्म से हो, बच्चों को वहां उसी ड्रेस में जाना चाहिए। कोई चाहे कुछ भी कहे, हिजाब पहनकर जाएंगे तो वो गलत है। प्रियंका गांधी ने बिकनी पहनकर जाने को लेकर कहा तो परमहंस आचार्य ने प्रियंका गांधी को भी नहीं छोड़ा और कहा कि प्रियंका गांधी ने जो ये बात कही है ये बहुत शर्मनाक है। बच्चों के साथ में सौतेले व्यवहार नहीं किया जा सकता। जो पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए एक नियम होना चाहिए। और भी आगे क्या क्या परमहंस आचार्य ने कहा, देखें हमारी खास रिपोर्ट में। टीवी इंडिया 3 से बाराबंकी की ब्यूरो रिपोर्ट। ममता बनर्जी भी प्रचार करने आ रही है बंगाल से, उनको क्या कहेंगे आप? बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत वोट समाजवादी को मिलना था वो भी ममता बनर्जी के आने के कारण कट गया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमने देखा है कि जो वोटर हैं उनका कहना यह है कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है और योगी और मोदी को देख करके लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए प्रचंड बहुमत से भाजपा रही है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। अब अखिलेश यादव जो है ये चूंकि दंगावादी पार्टी है तो थोड़ा सा इनकी हैकड़ी है। अब 10 मार्च के बाद में ठंडे पर जाएंगे और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं 10 मार्च के बाद में इनको चिन्हित करके इनकी खाल उधेड़ ली जाएगी। जैसे पीएफआई, अभी जो हिजाब का मैटर चल रहा है वो लड़की पता लगा कि वो पीएफआई की एजेंट है, तो इस तरह से जो आतंकी संगठन पीएफआई है और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं वो सबको खोज खोज करके उनका जो है ऑल आउट ऑपरेशन किया जाएगा। और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है और दोबारा फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे।